अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन गिवन है, फर्स्ट नंबर इवैल्यूएट द फॉलोइंग व्हेन ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू -1 एंड सी इज इक्वल टू 2। इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन गिवन है 5a-10। अब 5a-10 क्वेश्चन गिवन, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 5a-10 यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट 5 है एंड वेरिएबल a है। अब वेरिएबल का वैल्यू हमारे पास a का गिवन है 3, a की बजाय हम 3 लिखेंगे। -10 इज इक्वल टू 5 3 15, 15 - 10 इज इक्वल टू 5। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। इसमें सेकंड नंबर क्वेश्चन गिवन है 3a+5b। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 3b की बजाय p का वैल्यू लिखेंगे एन प्लस 5c, सी का वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे। b का वैल्यू हमारे पास गिवन है -1, ये b का वैल्यू है, ये c का वैल्यू है एंड ये a का वैल्यू है। a b c का वैल्यू गिवन है, यहाँ पे हम b का वैल्यू लिखेंगे -1 एंड c का वैल्यू लिखेंगे 2। 3 1 3 -3 प्लस 5 2 10, -3 + 10 इज इक्वल टू -+7, क्योंकि बड़ा डिजिट प्लस की 10 गिवन है एंड ये छोटा है। अब छोटे से बड़े को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वैल्यू शायद जो हमारे पास प्लस आएगा, ये हो गया इसका आंसर। इसके बाद थर्ड नंबर पे करते हैं। अब यहाँ पे 2a है, a की वैल्यू लिखेंगे 3 -3, b का वैल्यू लिखेंगे -1 एंड +2c, सी का वैल्यू लिखेंगे 2। 3 2 6, -, अगर मल्टीप्लाई तो प्लस आता है। 3 1 3, +2 2 4, 6 + 3 = 9, 9 + 4 = 13। ये हो गया क्वेश्चन नंबर पास। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में फाइंड करना होगा वैल्यू ऑफ x एंड y गिवन है एंड क्वेश्चन गिवन है 7 - 3 xy। अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट लेते हैं। सॉल्व 7 - 3 x एंड y, x एंड y के लिए जगह छोड़ दिए। x हमारे पास गिवन है -5 एंड y गिवन है 2। 7 माइनस 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 प्लस हो जाएगा। 3 5 15, 15 × 2 = 30, 30 + 7 = 37। यह हो गया फर्स्ट नंबर का आंसर। इसके बाद सेकंड नंबर नंबर गिवन है x² + xy + y². यहाँ पे एक्स स्क्वायर का ब्रेसेस लिख लिया, एक्स एंड वाई प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास एक्स का गिवन, एक्स का वैल्यू गिवन है -5 एंड वाई का गिवन है 2, -5 एंड 2, यहाँ पे हमारे पास 2 आ जाएगा। माइनस अगर 2 टाइम मल्टीप्लाई हो जाए प्लस आता है। 2 5 5 5 5 25, +25 हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस, 2 5 10, +2 2 4, 25 + 4 = 29, 29 - 10 = 19। ये हो गया इसका आंसर। इसके बाद इस पर थर्ड नंबर करते हैं क्वेश्चन। इसमें थर्ड नंबर क्वेश्चन गिवन है 3x² - 4y²। अब जब इसका सोल्यूशन स्टार्ट ले, 3 x का वैल्यू एक्स के लिए छोड़ देंगे जगह, स्क्वायर माइनस 4y होल स्क्वायर। यहाँ पे x गिवन है, x का वैल्यू हमारे पास -5 है तो यहाँ पे -5 लिखेंगे। यहाँ पे गिवन है y का 2, तो 2 लिखेंगे। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, 3 5 15, 15 होल स्क्वायर, -4 2 8 होल स्क्वायर। माइनस माइनस 2 टाइम मल्टीप्लाई हो जाए तो प्लस आता है एंड 15 मल्टीप्लाई 15, 2 टाइम मल्टीप्लाई टू 225 माइनस 8 8 64। ये इसे माइनस करेंगे, 5 से 4 को माइनस करें तो 1 आता है एंड 12 से 6 को माइनस करते हैं तो 6 आता है एंड 1। ये हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर थर्ड गिवन है इवैल्यूएट द फॉलोइंग व्हेन k = -2, l = 3 एंड
m इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास वैल्यू केवल है के एल एम का एंड क्वेश्चन केवल है के स्क्वायर रेसिस 2l माइनस 3m। इसमें के एल एम का वैल्यू फिट करते हैं, k का वैल्यू हमारे पास गिवन है माइनस 2, जब पे माइनस 2 लिखेंगे एंड k बे स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे। 2 का k का वैल्यू है माइनस 2, माइनस 2 के यहाँ पे ब्रेसिस है तो ब्रेसिस को लिखेंगे। 2 l का वैल्यू हमारे पास गिवन है 3, 3 लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे 3m, m का वैल्यू हमारे पास गिवन है 4, 4 लिखेंगे एंड ब्रेसिस क्लोज। माइनस 2 टाइम मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ पे हमारे पास प्लस आएगा एंड 2 2 ज़ार 4, 3 2 ज़ार 6, माइनस 3 4 ज़ार 12 इज इक्वल टू 4, 6 माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 6 एंड 6 4 ज़ार 24 प्लस माइनस 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 24 इसका आंसर हो गया। अब इस पर एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड गिवन है इसमें 5m स्क्वायर रूट के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू फिट करते हैं 5, एम का वैल्यू हमारे पास गिवन है, यहाँ पे हमारे पास एम है, एम का वैल्यू 4 लिखेंगे, स्क्वायर रूट के स्क्वायर है तो के का वैल्यू माइनस 2, माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस एल का हमारे पास 3 गिवन है, 3 होल स्क्वायर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फॉर 5 ज़ार 20, स्क्वायर रूट माइनस 2 टाइम मल्टीप्लाई तो प्लस आते 2 2 ज़ार 4, 4 प्लस थे 3 ज़ार 9, 20 स्क्वायर रूट 9 प्लस 4 इज इक्वल टू 13, ये हो गया इसका आंसर। अब इसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन इस पर करते हैं। इसमें थर्ड नंबर क्वेश्चन गिवन है के प्लस एल प्लस एम डिवाइड बाई के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास के वैल्यू गिवन है, अब इसको फिट करते हैं। यहाँ पे के का वैल्यू हमारे पास माइनस 2 प्लस 3 प्लस 4 डिवाइड बाय के स्क्वायर है, के का वैल्यू लिखेंगे माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस एल का 3 है 3 स्क्वायर प्लस एम का ये 4 4 स्क्वायर लिखेंगे इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 3 प्लस 4। इन दोनों को पहले ऐड करते हैं, 3 प्लस 4 इज इक्वल टू प्लस 7 डिवाइड बाय 2 2 ज़ार 4 प्लस 3 3 ज़ार 9 प्लस 4 4 ज़ार 16। माइनस 2 प्लस 7 इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाय 16 प्लस 4 इज इक्वल 20, 20 प्लस 9 इज इक्वल टू 29। हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 5 डिवाइड बाय 29। यह हो गया थर्ड नंबर इसी एक्सरसाइज में थर्ड नंबर क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 4th गिवन है इवैल्यूएट a प्लस 1 डिवाइड बाय 4 ए स्क्वायर माइनस 1 व्हेन a इज इक्वल टू 1 ओवर 2 एंड a इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 2। a इज इक्वल टू 1 ओवर 2 गिवन है एंड a इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 2 गिवन। हम पहले a इज इक्वल टू 1 ओवर 2 का लेते हैं जिससे क्या आता है सॉल्यूशन। स्टार्ट करते हैं a इज इक्वल टू 1 ओवर 2 से। हमारे पास गिवन है क्वेश्चन a प्लस 1 डिवाइड बाय 4 ए होल स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे वैल्यू फिट करते हैं इसका। यहाँ पे हमारे पास पहले a है तो a का वैल्यू लिखेंगे, a का वैल्यू हमारे पास गिवन है 1 ओवर 2। इसके बाद प्लस है प्लस लिखेंगे एंड 1 है तो 1 लिखेंगे डिवाइड बाय 4 ए होल स्क्वायर 4 लिखेंगे, ए का वैल्यू ये लिखेंगे 1 ओवर 2 होल स्क्वायर माइनस 1। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे। टू फ्रैक्शन के बीच में अगर प्लस माइनस आए तो इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के तरीका यह है कि इन दोनों का डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई इनटू 2 2 के साथ ऐसा डिजिट मल्टीप्लाई करो, अगर 2 आए 2 के साथ 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से 2 आता है 1 1 ज़ार 1 प्लस इसके साथ ऐसा डिजिट मल्टीप्लाई करो 2 आ जाए, अगर इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 ज़ार 2 आता है 2 मल्टीप्लाई 1 2। अब उस 2 को इस 2 इस 1 के साथ 2 1 ज़ार 2 डिवाइड बाय 4 अपनी जगह आएगा एंड 1 1 ज़ार 1 डिवाइड बाय 4 2 2 ज़ार 4 माइनस 1। यहाँ तक इसके बाद 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय 2
एंड फोर फोर के साथ क्रॉस हो जाएगा, वन प्लस वन इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास गिवन है थ्री डिवाइड बाय टू, यहाँ पे हमारे पास गिवन है वन प्लस वन इज इक्वल टू टू, यहाँ पे हमारे पास टू गिवन है जिसको इस तरह लिखेंगे टू डिवाइड बाय वन, अगर टू के डिवाइड बाय वन लिखेंगे इसका मतलब इक्वल टू है। अब इसको थ्री डिवाइड बाय टू पे लिखेंगे, डिवाइड में टू डिवाइड बाय वन गिवन है, अगर इसको डिवाइड से ऊपर करें तो वन डिवाइड बाय टू हो जाएगा, वन डिवाइड बाय टू हो गया। अब वन डिवाइड बाय टू का सोल्यूशन लेते हैं, वन डिवाइड बाय टू इज इक्वल टू थ्री वन ज़ार थ्री डिवाइड बाय टू टू ज़ार फोर, ये हो गया ए प्लस ए डिवाइड बाय टू का आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर स्टेप नंबर टू का लेते हैं, ए इज इक्वल टू माइनस वन ओवर टू का क्वेश्चन में सेकंड स्टेप गिवन है ए इज इक्वल टू माइनस वन ओवर टू, फर्स्ट स्टेप में ए इज इक्वल टू वन ओवर टू प्लस में गिवन था, अब यह माइनस पे। क्वेश्चन में यहाँ पे ए था ए की वैल्यू लिखे माइनस वन ओवर टू, यहाँ पे ए स्क्वायर था ए का वैल्यू लिखे, यहाँ स्क्वायर इस पर लिख दिया। अब इसका सोल्यूशन लेते हैं, इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने का मेथड यही है कि माइनस टू डिनोमिनेटर टू गिवन है, यहाँ पे भी वन टू वन ज़ार टू गिवन था, अब टू टू मल्टीप्लाई वन माइनस वन आ जाएगा एंड प्लस टू वन ज़ार टू टू आ गया डिवाइड बाय टू टू ज़ार या फिर फोर आ गया एंड वन डिवाइड बाय फोर प्लस वन, टू अगर टू टाइम मल्टीप्लाई हो जाए तो फोर आता है एंड माइनस टू टाइम मल्टीप्लाई प्लस आता है, माइनस टू प्लस वन माइनस वन प्लस टू इज इक्वल टू वन डिवाइड बाय टू, या फिर हमारे पास गिवन है वन प्लस वन इज इक्वल टू टू, उसको टू को इस तरह लिखेंगे टू डिवाइड बाय वन, यहाँ पे गिवन ऐसा है इसको सोल्यूशन लेंगे वन ओवर टू, ये डिवाइड में टू डिवाइड बाय वन में गिवन है, अगर इसको डिवाइड के ऊपर लेके मल्टीप्लाई वन डिवाइड बाय टू हो जाएगा इज इक्वल टू वन वन ज़ार वन डिवाइड बाय टू टू ज़ार फोर, यह हो गया सेकंड स्टेप का आंसर। क्वेश्चन नंबर फाइव गिवन है, इफ ए इज इक्वल टू नाइन बी इज इक्वल टू ट्वेल्व सी इज इक्वल टू फिफ्टीन एंड एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय टू एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट एस ब्रैकेट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब यहाँ पे इसको फाइंड करेंगे लेकिन हमारे पास पहले एस होना चाहिए, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी सी, पहले अब इसको यहाँ पे एस फाइंड करेंगे क्योंकि एस हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, विदाउट एस हमारा आंसर नहीं आएगा, तो एस को फाइंड करते एस इज इक्वल टू ए हमारे पास गिवन है नाइन प्लस ट्वेल्व प्लस फिफ्टीन डिवाइड बाय टू इज इक्वल टू फिफ्टीन प्लस टू प्लस नाइन इज इक्वल टू थर्टी सिक्स डिवाइड बाई टू इज इक्वल टू एटीन, ये हो गया हमारे पास एस का आंसर। अब इस वैल्यू में फिट करते हैं, स्क्वेयर रूट ऑफ एस हमारे पास आ गया एटीन, यहाँ पे एटीन है एटीन माइनस एस माइनस ए, ए हमारे पास गिवन है नाइन, नाइन लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे ए से एस एटीन लिखेंगे, एटीन माइनस बी इज इक्वल टू ट्वेल्व, ट्वेल्व लिखेंगे यहाँ पे एंड एटीन माइनस सी, सी इज इक्वल टू फिफ्टीन, फिफ्टीन के वन फिफ्टीन का वैल्यू लिखेंगे एटीन, एटीन माइनस नाइन इज इक्वल टू नाइन, एटीन माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू सिक्स, एटीन माइनस फिफ्टीन इज इक्वल टू थ्री, टू नाइन ज़ार एटीन लिखेंगे, टू नाइन ज़ार एटीन यहाँ पे गिवन ये हो गया। अब यहाँ पे गिवन है नाइन, थ्री थ्री ज़ार नाइन हो गया एंड यहाँ पे गिवन है सिक्स, टू थ्री ज़ार सिक्स एंड मल्टीप्लाई थ्री। अब यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट में जितने भी टू है इसका होल लिखेंगे, थ्री हमारे पास गिवन है, टू हमारे पास टू टाइम गिवन है, टू की पावर टू, यहाँ पे थ्री नाइन है थ्री की पावर टू लिखेंगे एंड थ्री की पावर टू एंड थ्री की पावर टू हो गया। अब हम यहाँ पे इसको इस तरह लिखेंगे टू मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई थ्री होल
पावर के साथ प्लेसेस को ख़त्म करेंगे। टू मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई थ्री 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 ज़ार नाइन, नाइन थ्री ज़ार 27, 27 मल्टीप्लाई टू इज इक्वल टू 20 54। या इसको इस तरह भी मल्टीप्लाई, थ्री टू ज़ार सिक्स इन थ्री थ्री ज़ार नाइन, नाइन सिक्स ज़ार 54 इज इक्वल टू 54। ये हो गया यहाँ तक एक्सरसाइज कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो में फुल समझ आ गया हो। अगर वीडियो में समझ आ गया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करना मत भूलिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो आपके साथ आए। चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब बटन के सब्सक्राइब के साथ एक बेल आइकन है, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मज़ीद अपडेट आपको हासिल हो। टेक केयर योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।